पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला केस ने नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सिद्धू की मुंहबोली बहन और मशहूर पंजाबी प्लेबैक सिंगर अफसाना खान को गैंगस्टर टेररिस्ट सिंडिकेट केस में समन किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर एनआईए ने मंगलवार को अफसाना से दिल्ली में 5 घंटे तक पूछताछ की है। अफसाना खान सिद्धू मूसेवाला को अपना भाई मानती थी और दोनों काफी करीब थे। वहीं सूत्रों के अनुसार एनआईए की टीम ने अफसाना खान से सिद्धू मूसेवाला केस में शामिल गैंगस्टरों के जुड़ी जानकारी हासिल की है। एनआईए की टीम को संदेह है कि सिद्धू की हत्या में अफसाना खान की भूमिका हो सकती है। वहीं हाल ही में गैंगस्टर पर की गई एनआईए की दूसरे राउंड की रेड के दौरान भी अफसाना खान का नाम एनआईए की रडार पर आया था। ऐसे में अफसाना शक के घेरे में आ गई हैं। इस साल सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या की गई थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर मूसेवाला के मर्डर को प्लांट करने का आरोप लगा है। बम्बीहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग का राइवल है और बिश्नोई गैंग को शक था कि सिद्धू मूसेवाला बम्बीहा गैंग का करीबी है। ऐसे में एनआईए ने इस गैंगस्टर नेटवर्क का पर्दाफाश करने के मकसद से ही 2 बार छापेमारी की। बता दें कि 29 मई के दिन सिद्धू मूसेवाला की 28 साल की उम्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धू पर हमलावरों ने 30 राउंड फायर किए थे और इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के करीबी सहयोगी गोल्डी बराड़ ने ली थी। गोल्डी कनाडा से ही अपने आपराधिक कामों से अंजाम देता है।